परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमानवाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो चेत कर, तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू अपने पापों से मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर उस दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 2 अध्याय के 5वें वचन में, याद कर तू कहाँ था और किस पाप में गिरा है। परमेश्वर साफ कह रहा है अपनी पुस्तक में, याद कर तू कहाँ से गिरा है, अपना मन फिराओ, अपने पापों से तोबा करो, मन फिराओ। अगर अपने पापों से मन ना फिराओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास आकर उस दीवट को हटा देगा। जरा सोचो, अगर अचानक किसी दिन आपकी मृत्यु हो गई तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक दिन दिखाता है कि मेरे बेटे बेटी अपने पापों से मन फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब विश्वास पाके उद्धार पाए और स्वर्ग जाएं। अभी संभल जाओ, क्योंकि वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पढ़ना एक भयानक बात है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 27 वचन से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि वह विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। दाहिनी आँख का मतलब है गलत वीडियोस देखना। आप किसी स्त्री किसी लड़की पर गंदी दृष्टि डालोगे और उसके बारे में अपने मन में उसकी अभिलाषा करोगे, गलत सोचोगे, तो तुम उससे अपनी आँखों से वे विचार कर चुके। और दाहिनी हाथ का मतलब है हस्ते मैथुन करना। परमेश्वर न आँख निकालने के लिए और न हाथ काटने के लिए नहीं कहता है। इसलिए तुम अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझे पाप में गिराती है तो उसे अभी छोड़ दो, और अपने आपको लगता है कि मेरा फोन ही मुझे पाप में गिराता है तो उसे कम यूज करो। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरना परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। परमेश्वर के साथ स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो पवित्र होंगे, परमेश्वर का भय मानते होंगे, वही लोग स्वर्ग उठाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अब दोबारा कचड़ा बटोर का स्वर्ग नहीं ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराकर स्वर्ग का कचड़ा साफ किया है, और अब दोबारा परमेश्वर कचड़ा बटोर का स्वर्ग नहीं ले जाएगा। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है 8 अध्याय के 6 वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना तो हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यानी जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, पाप करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, साफ साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पुंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नरक में फेंक देंगे, जहाँ पर कीड़े के शरीर से काटेंगे और आग भी जलाएगी। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस कहलाता है और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। और आज वही शैतान अव्वा को बहकाकर उसे फल खाने के लिए बहका दिया था। शैतान है सबसे ज्यादा बाइबल को जानता है। वह शैतान हमें उसकी सेनाएं जो स्वर्ग से गिरा दी गई थी, और आज वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं हर मसीह को पाप में गिराती हैं। और वही शैतान हमें परीक्षा में डालता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इसी गर्जनेले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ नोच खाएं। जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा तो तुम शैतान को हरा नहीं पाओगे।
क्योंकि जब शैतान ने यीशु की परीक्षा लेने आया तो यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। अगर आपके अंदर वचन नहीं होगा तो तुम शैतान को हरा नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। इसलिए पौलुस ने अपनी पत्री में साफ कहा था, जैसे इफिसियों 6 अध्याय के 11 वचन से 17 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाओ में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ स्थिर रह सको, ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको वचन से। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जान ही गए होंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शैतान को तलवार और लड़ाई करके नहीं हराया जा सकता है, सिर्फ उसको वचन से ही हराया जा सकता है। वचन से प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 1 और 4 वचन में लिखा हुआ है, और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी पीड़ा ऐसी थी मानो जैसा बिच्छू के डंक मारने से होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। आपको 5 महीने बिच्छू डंक मारेंगे, लगातार मारेंगे, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। क्या छोटे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या जवान जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं होगी उनको बिच्छू मारेंगे डंक 5-5 महीने लगातार मारेंगे और मृत्यु मांगोगे और मृत्यु भी नहीं आएगी, मौत भी नहीं आएगी। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी की आंखें वचन पर लगाए। आप सभी को जय मसीह की।